अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। इंदिरा कैंटीन प्रोजेक्ट को लेकर शहरी तरक्याती उमूर के वजीर यूटी कादिर पर बीजेपी ने 150 करोड़ के घोटाले का लगाया इल्जाम। यूटी कादिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इल्जाम को बताया बेबुनियाद। बलगाम में जेडीएस की मीटिंग में हंगामा आ रहा है। रियासती सदर के इंतखाब को लेकर जेडीएस कारकुनों ने पार्टी दफ्तर में जमकर किया हंगामा। मीटिंग में जेडीएस सरबरा और साबिक पीएम देवेगौड़ा भी थे मौजूद। दारुलकदा की हैसियत मुतवाजी अदालत की नहीं, मजलिस आमिला की मीटिंग में पर्सनल लॉ बोर्ड की वजाहत। आरएसएस और बीजेपी पर मामले में सियासत का लगाया इल्ज़ाम। मुख्तलिफ मकामात पर 10 दारुलकदा के कायम करने का भी लिया गया फैसला। पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में हमजिन्स परस्ती पर हुकूमत के रवैये की भी की तनकीद। कहा हमजिन्स परस्ती को हर मजहब ने माना है जुर्म, हमजिन्सी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने की हुकूमत से की अपील। मिशन 2019 के तहत आज पीएम मोदी करेंगे बंगाल का दौरा, किसान रैली से करेंगे खिताब। मोदी की आमद से कबल ही सियासत तेज, पूरे शहर में लगाए गए ममता के पोस्टर। पीएम दौरे की मुखालिफत में टीएमसी कारकुनान ने जलाया पीएम का पुतला, लेफ्ट ने भी लहराए काले झंडे। मानसून इजलास में हुकूमत को घेरने की तैयारी में अपोजिशन जमातें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे, रुपए की गिरती कदर। जम्मू के बिगड़ते हालात पर अपोजिशन के तेवर सख्त, मानसून इजलास के भी हंगामा कैद होने के आसार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी है मौसलाधार बारिश, कई इलाके अब भी हैं पानी पानी। गुजरात में बारिश की वजह से गिरी एक इमारत की दीवार, बाल बाल बचे लोग। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से जम्मू में भी तबाही, 7 लोगों की हुई मौत, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। वाटरफॉल में पिकनिक मनाने के दौरान गिरी थी चट्टान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाढ़ में फंसे 55 अफराद, 43 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, 12 लोग अब भी हैं बाढ़ में फंसे। मोदी के जरिए कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने पर कांग्रेस चिरागपा। बयान पर कांग्रेस ने शदीद रद्दअमल का किया इजहार। आनंद शर्मा ने कहा मोदी की बीमार जहनियत मुल्क के लिए फिक्रमंदी की है बात। के बयानबाजी पर केजरीवाल ने भी मोदी पर किया रास्त हमला। कहा इंतखाबात का मौसम करीब आते ही विकास चौड़ अब हिंदू मुस्लिम पर अटक गई है मोदी सरकार। शामली के शहर कोतवाल में मामूली बात को लेकर दो फरीकों में झड़प, फायरिंग और पथराव के बाद पुलिस फोर्स तैनात। समाजवादी पार्टी लीडर पर फरीकों को उकसाने का लगा इल्ज़ाम, लीडर समेत 3 अफराद गिरफ्तार। निजी स्कूल में फीस के इजाफे पर केजरीवाल सरकार की कार्रवाई पर शत्रुघ्न सिन्हा की जमकर तारीफ। कहा जमहूरी तारीख में निजी स्कूल पर कार्रवाई करने वाली ये पहली सरकार। शिकस्त के खौफ से बीजेपी इसी साल करवा सकती है इलेक्शन। मायावती ने वज़ीर-ए-आज़म पर तरक्की के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी लगाया इल्ज़ाम। महाराष्ट्र में दूध सप्लाई करने वाले किसान आज से फिर हड़ताल पर। महाराष्ट्र में किसानों ने दूध की ट्रक को लगाई आग, कई लीटर दूध को सड़कों पर बहाया। मुंबई के पनवेल स्टेशन पर ट्रेन की जद में आने से बाल बाल बचा एक मुसाफिर, आरपीएफ जवान ने होशमंदी से बचाई शख्स की जान। इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं ईरान पर हमले की तैयारी, यहूदी मीडिया का सनसनीखेज इंकशाफ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी दफ्तर के बाहर खुदकश धमाका, धमाके में अब तक 7 लोगों की हुई मौत। फुटबॉल आलमी कप में फ्रांस ने दर्ज की शानदार जीत, 4-2 से क्रोशिया को हराकर बने फातह। जीत पर फ्रांस सदर भी नहीं रख सके खुद पर काबू। आईफिल टावर के करीब मतदाताओं के एक सैलाब ने मनाया जीत का जश्न।